निम्न में से कौन सा कोई उपकरण है जिसमें कपलिंग में एनआरवी वाल्व लगाता है? एनआरवी की फुल फॉर्म पूछे ना, तो आपको बोलना है एन का मतलब होता है नॉन, ठीक है, आर का मतलब होता है रिटर्न है, और वी का मतलब होता है वाल्व, कोई ऐसा वाल्व जो एक बार जाने देता है आने नहीं देता, या आने देता है जाने नहीं देता, यानी नॉन रिटर्न की व्यवस्था होगी, आने की व्यवस्था होगी जाने की व्यवस्था नहीं होगी, ऐसा रास्ता जिसमें केवल और केवल आने का रास्ता है जाने का नहीं, उसी को बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। है क्या वाल्व है, और ऐसा वाल्व जिसके द्वारा पानी या तरल पदार्थ है, कोई भी मीडिया है, वो आ सकती है जा नहीं सकती, या जा सकती है या आ नहीं सकती, यानी एक द्वार क्या होता है उसका बंद होता है। अब इनमें से चारों में से एक उपकरण को बताना जिसमें एनआरवी वाल्व लगा होता है। अब बताइए भी साथियों कौन सा होगा, एक तो होता है क्या वह कपलिंग में एनआरवी वाल्व लगा होता है, कौन से क्या हो, ड्रिल होज की कपलिंग होती है उसमें एनआरवी वाल्व लगा होता है? नहीं, साधारण जो ब्रांच होती है जिसके द्वारा फायर फाइटिंग करते समय होज पाइप के आगे ब्रांच लगाई जाती है, जिसको पानी को जेट के रूप में आगे फेंकने के लिए लगाई जाती है, उसे कहते हैं साधारण ब्रांच। साधारण यूज करने वाली हर एक फायर फाइटिंग में सर्वप्रथम जो ब्रांच यूज करते हैं उसे कहते हैं साधारण ब्रांच, ये इसके आगे कोई कपलिंग में एनआरवी वाल्व नहीं होता। कलेक्टिंग हेड ये होती है, इसी के कपलिंग में क्या लगी होती है एनआरवी वाल्व, मॉनिटर के एनआरवी वाल्व नहीं होता। मॉनिटर क्या होती है, एक प्रकार की ब्रांच होती है जो अत्यधिक मात्रा में पानी को जेट के रूप में आग तक पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो रहे हैं ना, अब बात करते हैं अपने राइट वाले की, कलेक्टिंग हेड किसे कहते हैं और कलेक्टिंग हेड का डायग्राम कैसा होता है, किस प्रकार का दिखता है। देखिए साथियों ये होता है कलेक्टिंग हेड, ये देखो एक हेड दिया गया है, इसी को बोलते हैं कलेक्टिंग हेड। इसका कार्य होता है पानी को देना, कब देना, देखो एक एग्जांपल देता हूँ शानदार तरीके से समझो। कलेक्टिंग हेड का प्रयोग क्यों करते हैं, कलेक्टिंग हेड का मतलब होता है जोड़ना, कब जोड़ना, देखो कोई भी बिल्डिंग है, एक शानदार सा एग्जांपल देता हूँ ध्यान से देखिए, कोई भी बिल्डिंग है उसमें पहले से फायर फाइटिंग का क्या हुई, इंस्टॉलेशन की हुई, क्या की हुई है, ये अपनी मेन राइज का मतलब मेन पाइप है जिसमें पानी भरा हुआ है, हर एक बिल्डिंग में एक एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे लगा हुई है, एक तो लगी हुई है हाइड्रेंट का पॉइंट, क्या लगा हुआ है हाइड्रेंट का पॉइंट, जहाँ पर पाइप लगा करके अपन क्या कर सकते हैं फायर फाइटिंग कर सकते हैं। एक लगी होती है यहाँ पे होज रिल होज यानी फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए एक पाइप होती है, एक उपकरण होता है जो ड्रम पे लपेटा हुआ होता है, और एक बॉक्स लगा होता है जिसमें देखो ब्रांच रखी होती है, ठीक है, और उसी में क्या रखी होती है होज रखी होती है, यानी ये व्यवस्था हर एक पॉइंट पे दी जाती है। अब इसका क्या होता है, पानी का यहां टैंक होता है, इसी पानी की मोटर के द्वारा पानी का यहां पंप लगा होता है, यह पंप क्या करेगा यहां पे पानी पहुंचाएगा, यही है ना। अब कई बार क्या होता है यह पंप क्या हो जाता है खराब, क्या हो जाता है खराब, अगर पंप खराब हो गया तो अपने को इस बिल्डिंग में देखो भाई ये कोई बिल्डिंग है इसमें यहां आग लगी है, क्या लगी है आग, अब इसको बुझाने के लिए अपने पास में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर मैं फायर टेंडर यानी आग बुझाने वाली गाड़ी लेकर के आया ना तो यहाँ तक मैं अच्छी तरीके से फायर फाइटिंग नहीं कर सकता, तो अब इस पाइप में पानी पहुँचाने के लिए मेरे पास में कोई इनको व्यवस्था होनी चाहिए। एक व्यवस्था तो ये होती है कि यहाँ से क्या करेंगे इस पाइप को खोलेंगे, खोलने के बाद में यहाँ से कोई दूसरा पंप लेकर के लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ तक पानी पहुँचाएंगे और आग बुझा देंगे, और दूसरी व्यवस्था होती है कुछ नहीं करना, बस एक एनआरवी वाल्व लगा होता है यानी ये कलेक्टिंग हेड लगा होता है, यहाँ एक पाइप निकाल करके यहाँ क्या लगा देता है कलेक्टिंग हेड, और उसी कलेक्टिंग हेड व्यवस्था क्या रहती है उसमें लगी होती है मेल कपलिंग, कौन सी लगी होती है मेल कपलिंग, जिसमें फीमेल कपलिंग लगा करके ये कपलिंग देखो लगी होगी, पानी प्रेशर से जा रहा है, पानी है इसे कोई मतलब, यानी ये पानी बाहर नहीं जाने देती, ये केवल और केवल पानी ले सकती है, पानी बाहर नहीं जाने देती, ये लगा होता है तब अपने को फायर टेंडर है मेरे पास पंप है पोर्टेबल, इस पंप के माध्यम से टेंडर में पानी होगा, पानी माध्यम से देखो यहाँ व्यवस्था अगर अपनी रुक गई तब क्या करेंगे, ये टेंडर लगा करके आग जाने वाली गाड़ी यहाँ पास में लगा करके इस कलेक्टिंग हेड में अपनी ब्रांच छुरी होज लगा करके प्रेशर से पानी देकर इस मेन राइजर में पानी पहुँचा देंगे, और जिस फ्लोर से आग लगी है उसी पॉइंट में से पानी लेकर के उस आग को आसानी से बुझा सकते हैं, इसी का कार्य होता है कलेक्टिंग हेड। ये होती है मेल कपलिंग, और जो यहाँ पे आपको ऐसी व्यवस्था दिख रही है यहाँ पे लगा होता है एनआरवी वाल्व, कौन सा वाल्व होता है एनआरवी नॉन रिटर्न वाल्व। कंप्लीट आना साथियों।